दोस्तों, हम इसका एक डिजिटल माइक्रोस्कोप से एक आईसी चेंज करेंगे। छोटा सा ये वाला आईसी हम चेंज करके देखेंगे कैसी क्वालिटी आती है। जूम करके दिखाते हैं आपको। ये वाला आईसी हम चेंज करेंगे डिजिटल माइक्रोस्कोप की मदद से। ये हमारे पास एक डिजिटल माइक्रोस्कोप है, ये उसकी ओटीजी है, इससे कनेक्ट होती है। ये देखो, ये डिजिटल माइक्रोस्कोप है, ये हमने ऑनलाइन मंगवाई है। देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है और कैसे आईसी चेंज करने के बाद कैसे इसकी क्वालिटी दिखती है। इस पीसीबी को हमने सेट कर दिया है डिजिटल माइक्रोस्कोप से। अब हम इसका आईसी रिमूव करके देखेंगे कि वॉल कैसे दिखती है कैसे नहीं। वैसे तो बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, वे भी दिख रहा है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये देखो, बोलें भी ठीक हैं, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, फुल जूम हो रहा है, ब्लर भी नहीं हो रहा है। वैसे तो डिजिटल माइक्रोस्कोप ओके है। अब हम इस पीसीबी को क्लीन करेंगे। क्लीन करके देखते हैं विपिन इसकी बिल्कुल प्रॉपर दिखाई दे रही है या नहीं दे रही। पेस्ट लगा दी है। अब हम इसको आयरन की मदद से बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। देखो दोस्तों, डिजिटल माइक्रोस्कोप बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रही है, वीडियो भी अच्छी बन रही है, वे भी सही दिख रहा है, बोलें भी सही दिख रही हैं। और जिसने ये डिजिटल माइक्रोस्कोप वीडियो बनाने के लिए चाहिए या रिपेयरिंग करने के लिए चाहिए या छोटे से छोटा वर्क करने के लिए चाहिए, उसके लिए तो ये परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छी दिख रही है। देखो दोस्तों, इस आईसी के नंबर भी दिख रहे हैं अभी, कौन से नंबर का ये आईसी है। बिल्कुल छोटा सा आईसी है ये, इसके नंबर वगैरह सब कुछ ओके दिख रहे हैं, ये ब्लर भी नहीं हो रही।